यस बेटा, डन। जस्ट रेज योर हैंड्स, हु हैज कंप्लीटेड? डिस्टेंस किस किसने फाइंड कर लिया है? फर्स्ट एंड थर्ड केस में डिस्टेंस फाइंड कीजिए पहले। यस मुझे सभी बच्चे काम करते हुए दिखे बेटा, सामने देखता ना कोई दिखे मुझे, ठीक है? सब साफ। कितने बच्चे जो सामने देखी जा रहे हैं, बस काम नहीं कर रहे हैं। ओके, एनीवन हु हैज कंप्लीटेड जस्ट रेज योर हैंड्स और कम इन फ्रंट ऑफ द माइक। एनीवन फ्रॉम 7C? 7C? डिम्पी चौधरी। 7C डिम्पी चौधरी। हाँ जी बेटा, जस्ट कम इन फ्रंट ऑफ द माइक। इज डिम्पी प्रेजेंट इन द क्लास? मैम प्लीज रिपीट क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं ना बेटा ऑलरेडी। दीज आर द क्वेश्चन एंड आई एम आस्किंग अबाउट द आंसर्स राइट नाउ, ठीक है? यस डिम्पी, व्हाट इज द डिस्टेंस इन दिस केस? व्हाट इज द डिस्टेंस इन दिस केस? नो, हु विल टेल मी द आंसर? जस्ट रेज योर हैंड्स। हम 4 मीटर। 4 मीटर? ओके, डिस्टेंस यू आर सेइंग 4 मीटर। कैन यू टेल मी द डिस्प्लेसमेंट? देखो ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है। दीज आर एरोज, एरोज आर शोइंग द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रॉम विच पाथ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग? द ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दिस। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दिस, राइट? नाउ लिसन मी केयरफुली, डिस्टेंस इज नॉट 4 मीटर, ठीक है? नाउ कैन यू टेल मी विच शेप इज दिस? विच सेमी सर्कल? वेरी गुड। डिस्टेंस क्या है? दिस लेंथ ऑफ, डिस्टेंस इज नथिंग, इट इज अ लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है? अच्छा, अब अगर आप किसी सर्कल का मैं पूछूं कि इसका रेडियस 2 मीटर है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे? यस, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल? व्हाट इज द फॉर्मूला यू यूज? मैम 2 पाई आर। वेरी गुड, 2 पाई आर। वेरी गुड, वेर आर इज द रेडियस। तो ये जो 2 पाई आर है ना बेटा, ये तो पूरे सर्कल का है। पूरा सर्कल जब होगा तो पेरीमीटर होगा 2 पाई आर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर मींस यू हैव स्टार्टिंग सम ऑफ द बाउंड्रीज। सम ऑफ द बाउंड्रीज। तो इसमें तो एक ही बाउंड्री है, तो इसकी बाउंड्री का सम नहीं होता। इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं 2 पाई आर। अब ऑब्जेक्ट आपका सर्कल पे चल रहा है तो उसकी बाउंड्री पे चल रहा है या नहीं चल रहा? द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द बाउंड्री इटसेल्फ। मैम यस अगर बाउंड्री पे चल रहा है तो हम उसका क्या निकालेंगे बताओ? पेरीमीटर, पेरीमीटर। राइट? अब देखो ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट कहाँ से किया? यहाँ पर ए से। एंड स्टॉप कहाँ किया उसने? बी पर। तो उसने पूरा पेरीमीटर कवर किया या हाफ पेरीमीटर कवर किया?
हाफ 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 तो इस पेरीमीटर का हाफ कितना होना चाहिए? ठीक है, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी पूरे सर्कल का, पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, और हाफ सर्कल का पेरीमीटर क्या हो? पेरीमीटर क्या? पाई आर। उसका भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा सिर्फ 2 और 2 कैंसिल, और ये हमारे पास बचेगा पाई आर। तो अब इसमें वैल्यू डालेंगे हम। ठीक है, नाउ वी विल ऐड वैल्यू। पाई की वैल्यू इज 2/7। और रेडियस कितना है बेटा? ये देखो, ये डिस्टेंस आपको 2 दिया हुआ है, सो द रेडियस कितना है? 2। रेडियस 2 हुआ ना बेटा इसमें, रेडियस इज 2 मीटर। ये जैसे मैंने ये लिया, ये देखो ये रेडियस है, राइट बेटा? तो ये कितना आया सॉल्व करके देखो, 22 × 22 इज हाउ मच? 44 बाय 7। तो ये कितना आया? 3/4। 6.34 आ जाएगा। ठीक है, लगभग ये आ जाएगा 6.3 मीटर, राइट? समझ आया बेटा कैसे निकला इसका डिस्टेंस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज में निकल आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, राइट? चलिए, नाउ डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड Shortest path. नाउ टेल मी, इफ द ऑब्जेक्ट हैज टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को ए टू बी जाना है तो उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ कहां पर है? ये वाला शॉर्टेस्ट या ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ है? डॉटेड वाला शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर। यस, डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ। देयर फोर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई बेटा? 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर। नाउ यू गॉट इट? देखो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये 6.3 ज्यादा है। बताइए, 4 मीटर इज ग्रेटर, 6.3 इज ग्रेटर? 6.3। 6.3। दिस मीन्स, अभी एक बच्ची समझो, ठीक है, दिस मीन्स डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। आप बोल सकते हो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बताइए जरा मुझे, इज इट? यस। अभी इसको हम कीप इट लाइक दिस, बाकी में अगर नोट कर लिया तो शुड आई रेज? जल्दी से नोट कर लो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस वाला पार्ट है आपका सारा, ठीक है, ये वाला पार्ट यहां तक, ये सारा डिस्टेंस में नोट करना है 6.3 मीटर तक, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करोगे अपने आप से, अगर सर्कल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? स्टार्ट डूइंग सेकंड क्वेश्चन, दोज हु हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन।
चलिए बेटा, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द सेकेंड पार्ट, राइट? यस, व्हाट इज द डिस्टेंस हियर? हु विल टेल मी? यस, सेवेंथ ई, सेवेंथ ई, चलो सेवेंथ एफ से पूछते हैं हम। दुष्यंत, सेवेंथ है, दुष्यंत एब्सेंटेड एब्सेंट है, हरसुख, इज ही प्रेजेंट? यस मैम। आ जाओ बेटा, कहां पर हो, दिख नहीं रहे हो आप। कैमरा इज नॉट वर्किंग मैम। कैमरा इज नॉट वर्किंग। ओके, नो प्रॉब्लम, योर वॉइस इज वेरी क्लियर टू मी। कैन यू टेल मी द डिस्टेंस इन दिस केस? यस, डिस्टेंस, चलो मैं ये बता देती हूँ। डिस्टेंस आपने बताना है फ्रॉम पॉइंट ए, ये देखो ये पूरा सर्कल कवर किया इसने यहां तक, 628। 628। ओके, देखो अब यहां पर फॉर्मूला क्या अप्लाई किया आपने, 2πr। वेरी गुड। ठीक है, देखो यहां तो सर्कल कंप्लीट बन रहा है ना, डिस्टेंस इज 2πr। डिस्टेंस क्या है, 2πr, तो वैल्यू डाल दो बेटा बस, 2 × 22/7, एंड व्हाट इज आर, आर इज 100, 50। 50, बिकॉज 100 क्या है, डायमीटर है, 100 इज डायमीटर, सो रेडियस इज 50 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम यहां पर वैल्यू यूज करेंगे 50। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है बताइए मुझे, कितना आया ये, 2 to the, ये आ गया 44 × 50 डिवाइडेड बाय 7। ये जरा जल्दी से, 20 double 2 0 होम 7, ये आपका 6 की टर्म में कैसे आंसर आ रहा है बेटा, 6 में नहीं आ गया। आप आई थिंक आपने 100 तो नहीं ले लिया है हरसुख, ये तो 3 something में आ रहा है। हाँ जी, ये 3 point में आएगा बेटा, 7 3 are 21, 7 1 are 7, एंड 4 6 कुछ आएगा, मतलब लाइक समथिंग लाइक दिस, यू विल गेट द आंसर लाइक दिस। ठीक है, इसको करके देखो जरा जल्दी से, एग्जैक्ट आंसर बताइए मुझे कितना आ रहा है। 301, 314 ही आ रहा है ना, 3.1, 314, सॉरी बेटा मैंने डेसिमल लगा दिया, डेसिमल विल नॉट बी देयर, इट्स 314 समथिंग आएगा बेटा, 0.16। 0.16, ओके सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये पार्ट सबको क्लियर हो चुके हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डिस्प्लेसमेंट। देखो मैम, डिस्... हाँ जी थ्री बेटा, हंड्रेड 14.28 सेंटीमीटर 2.8 आ रहा है, मैम। यस यस 2.8 आया। 2.8 कर लो, 2.8 कर लो ये। ठीक है, चलिए नाउ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटा, देखो डिस्प्लेसमेंट का नहीं, 100 सेंटीमीटर अगर ए मैम, एंड एंड सेट बी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो। फ्रॉम ए टू ए अगर आपको बोली जाती, तो ऊपर क्वेश्चन में कुछ है और लिखा हुआ है, ए टू बी पूछा हुआ मैम है, जीरो। आई एम एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग नाउ, डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम ए टू ए, ए से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ एंड कम बैक टू ए, इट मींस इनिशियल जीरो डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स
आर सेम, और कल हमने डिस्कस किया था अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो देन डिस्प्लेसमेंट विल बी, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, जीरो यूनिट लगानी है साथ में, 0 सेंटीमीटर। ठीक है जी, नाउ सेकेंड केस, इफ आई एम आस्किंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट ए पाथ, ए टू बी का टू शॉर्टेस्ट इज दिस। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ ए टू बी आने का, दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो डिस्प्लेसमेंट इज 100 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बात, डिफरेंस क्लियर हो रहे हैं? यस हाँ जी, जिसका हो जाएगा ये नोट, थर्ड पार्ट इज वेरी सिंपल, जस्ट डू इट योरसेल्फ। ठीक है, ये 7th D बॉयज जो आगे बैठे हैं, बेटा अगर काम हो गया तो आगे करो कंटिन्यू, थर्ड पार्ट कर लीजिए, अगर वो भी हो गया तो रेज योर हैंड्स, अगर थर्ड पार्ट भी कर लिया तो जस्ट रेज योर हैंड्स। कुछ स्टूडेंट्स का हो गया, दैट्स वेरी गुड, 7th D में से हैंड्स रेज हो रहे हैं। एनी अदर सेक्शन? ओके गुड, बेटा कीप कीप योर हैंड्स डाउन, गुड। ये 7th E, 7th C, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। यहाँ भी मुझे बताइए डिस्टेंस कितना है, यहाँ व्हाट इज द डिस्टेंस, 22 मीटर 22 मीटर 22 मीटर, वेरी गुड। सिंपली आपने क्या करना है, 5 मीटर प्लस 3, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर और डिस्प्लेसमेंट देखो ए टू बी, दिस इज अ डॉटेड लाइन इज द शॉर्टेस्ट पाथ Isn't it? And this is the distance. वो देखो माउंटेन्स पे चढ़ता हुआ गया, उसको ए टू बी जाना था, बट ए टू बी जाने का हो सकता है यहां से रास्ता ना हो, ठीक है, उसको कैसे जाना पड़ा, ऐसे ऊपर से क्लाइम करते हुए फिर वो बी पॉइंट पर आया। ठीक है, हमने शॉर्टेस्ट देखना है, ठीक है, हमने देखना शॉर्टेस्ट रास्ता क्या पॉसिबल है, तो वो 8 मीटर है। यहाँ तो डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई थी, आपको सॉल्व भी नहीं करना था, है ना, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना था, डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर। अच्छा एक चीज देखो, अब जरा हर क्वेश्चन में आपने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट यू ऑब्जर्व, दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, हियर ऑल्सो डिस्टेंस इज 22, डिस्प्लेसमेंट इज 8, राइट, हियर ऑल्सो इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस इज दिस मच एंड डिस्प्लेसमेंट इज दिस मच, डिफरेंस आ रहा है ना कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, राइट। यस कोई मुझे एग्जाम्पल देगा कि क्या कभी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, इज इट पॉसिबल, जस्ट थिंक इट अबाउट, शुड आई इरेज ऑल दिस, अगर हो गया तो बेटा पेन
मैम व्हेन वी ट्रेवल इन अ वी आर स्ट्रेट डूइंग ओके बेटा यस हु इज गिविंग द एग्जांपल मैम तवनीर फ्रॉम 7th D ओके बताइए बेटा मैम व्हेन वी मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन फॉर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी यस वेरी गुड एक्सीलेंट देखो व्हेन यू आर एट सर्टेन पॉइंट ए यू आर मूविंग टिल पॉइंट बी एंड यू सिंपली स्टॉप एट पॉइंट बी आप कहीं भी नहीं गए हैं सपोज ये लेंथ आपकी थी 6 मीटर तो डिस्टेंस कितना कवर किया बेटा इस केस में व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी 6 मीटर 6 मीटर एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट सिक्स मीटर इज ऑल्सो 6 मीटर इट इज ऑल्सो 6 मीटर सो इन दिस केस यू कैन सी दिस बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल राइट समझ आई चीज तो इट मींस जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर भी हो सकते हैं और उसके इक्वल भी हो सकते बट डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होता ठीक है इज दिस क्लियर यस ठीक है तो ये अगर माइंड में आ गई है बात तो मुझे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा गिव मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट अपना अपना मार्क करो आंसर सेवन आई आस्क टू समवन ओके जस्ट मार्क योर आंसर यस फ्रॉम 7G 7G तेजस्वी विद रीजन बताना है जिसने भी मुझे आंसर बताना है ठीक है कि क्यों है आ जाओ आ जाओ मैम ए ऑप्शन ग्रेटर देन एंड इक्वल राइट वेरी गुड अभी भी डिस्कस नहीं भूलना नहीं है इसको रिपीट हो रही है चलिए गो बैक टू योर सीट बेटा तेजस्वी हाँ जी बेटा ये देखो इधर डायग्राम अगर आप सब देख रहे हो किस किस चीज की डायग्राम है ये ऑडोमीटर एंड स्पीडोमीटर ऑडोमीटर एंड स्पीडोमीटर इस वाले ऑडोमीटर क्या करता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑडोमीटर गिव स्पीड द वेरी गुड वेरी गुड ठीक है ऑडोमीटर टेल्स हाउ मच आर व्हीकल हैज कवर्ड द टोटल डिस्टेंस टिल नाउ जब उसमें 0 0 0 रीडिंग होती है ना जब हम परचेज करते हैं न्यू व्हीकल तो उसमें बहुत कम रीडिंग होती है ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 ठीक है तब से लेकर आज तक आपका ये व्हीकल कितने किलोमीटर्स कवर कर चुका है यहां पर अगर रीडिंग देखेंगे तो किसमें आती है किलोमीटर्स में ठीक है बच्चे समझ आई ये चीज चलिए उसके स्पीडोमीटर का क्या काम होता है स्पीड It tells us क्या है about इट covered टेल्स अस द हाँ speed of the vehicle. At which your vehicle is traveling. उस टाइम आपका व्हीकल किस स्पीड पर ट्रेवल कर रहा है आप पहले 100 किलोमीटर पे चल रहे थे ट्रैफिक आ गया तो स्पीड की जो नीडल है ये सडनली कहाँ हो जाएगी यू वॉज एट 100 ठीक है आप लेटर से आप किस स्पीड पर थे ठीक है आप कौन से स्पीड पे थे लेटर से यू आर एट 100 बट सडनली क्या हुआ कि आपके सामने रश आ गया कोई भी ट्रैफिक आ गया ट्रक आ गया एंड सडनली ब्रेक लगानी पड़ी या स्लो करना पड़ा एंड आपके व्हीकल की स्पीड हो गई 40 रिड्यूस हो गई ठीक है तो स्पीडोमीटर हमें जिस टाइम जो स्पीड होगी व्हीकल के अंदर वही स्पीड बताता है ऐसा नहीं कि वो पुरानी स्पीड बता देगा या कोई आने वाली फ्यूचर की कोई स्पीड बताएगा ऐसा नहीं है जिस वक्त आपका जो व्हीकल है जैसी स्पीड पे होगा वैसी स्पीड ये बता देगा तो उस स्पीड को हम बेटा बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड
आगे पीछे की स्पीड थोड़ी बताएगा ये, उसी वक्त की स्पीड बताएगा जब आपका व्हीकल जिस स्पीड पे रन कर रहा है। सो स्पीडोमीटर गिव्स अस इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड व्हाट ऑडोमीटर रीड्स, ऑडोमीटर क्या बताता है? इट डिस्टेंस टेल्स द टोटल कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल। डिस्टेंस कवर्ड। आपने देखा होगा ना कैसे करके रीडिंग चल रही होती है, 1 2 3 4, कभी किसने देखा है ऑब्जर्व किए? हेड उस पे लगा होता है हर व्हीकल पे, एक्टिवा स्कूटर कार, कभी किसने नोट किया किसी रीडिंग्स मूव कर रही है कहीं पर? तो वो हमारा ओडोमीटर होता है जो हमें डिस्टेंस कवर्ड बताता है, राइट? चलिए अब मुझे 1 2 3 4, चलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फटाफट से क्वेश्चन कवर करके दिखाइए, फिर आगे के हम करेंगे अब खुद से कवर, ठीक है? जल्दी से, 5 मिनट का भी काम नहीं है, फिर डिस्कस करते हैं, जल्दी से बता दो मुझे। आज कैमरास नहीं चल रहे हैं, 7th है आपका कैमरा ठीक नहीं हुआ बेटा? हाँ एक्सक्यूज मी, व्हाट जी बेटा बोलो। इज डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? आप इसको बेटा स्पीड से ही लेकर चलो अभी, ठीक है? यू कैन सिंपली कट द टर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी एक जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे डिफरेंस होता है ना थोड़ा सा, ऐसे ही स्पीड और वेलोसिटी में भी है। जब आप डिस्टेंस यूज करते हो तो स्पीड फाइंड करते हैं हम, जब डिस्प्लेसमेंट हम यूज करते हैं तो हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट। देखो ना डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है? बस इतना ही फर्क है, आपको फिलहाल इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है? ये 9th में पढ़ना कॉन्सेप्ट है डिटेल में, ठीक है जी? चलो क्या आप में से किसी को बातें करने के लिए तो बोला नहीं है? जिसको ज्यादा बातें करनी है देखे लीव द क्लास। चलिए बेटा ध्यान से कर लो ना, तुम बातें क्यों कर रहे हो बेटा? पढ़ लो थोड़ी देर, ध्यान से पढ़ लो। डन। डन, वेरी गुड। और कोई बेटा? हम जल्दी से कर लो, इजी से क्वेश्चंस दिए मैंने, करवा दिए अभी सारे ये। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ बॉडी स्टॉप सडनली देन द फाइनल स्पीड ऑफ द वेलोसिटी, फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी इज, अगर ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? जीरो, जीरो। जीरो। अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ, मैम नॉन यूनिफॉर्म। नॉट बॉडी ऑप्शन बी, डज बी इज द राइट आंसर बेटा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है? चलिए नॉट रिमेन ऑप्शन ठीक है, बी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है बेटा। चलिए अगर इसी क्वेश्चन में आपका होता यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, देन इज द ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे होता है कोई बताएगा मुझे? ये होगा स्ट्रेट लाइन अपवर्ड। अपवर्ड, डाउनवर्ड भी हो सकती है बेटा, बट अभी नहीं हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? और यहां पर वाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं? स्पीड, ठीक है? अगर आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो ये यूनिफॉर्म है, ठीक है? और अगर कर्व्ड है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, कर्व में ऐसा भी यूनिफॉर्म हो सकता है, कर्व
कर्व का मतलब ये भी हो सकता है ऐसा कुछ जा रहा हो, बस एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी फिर तो। इस केस के अंदर क्या रहेगा, मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। सभी के अंदर कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म, राइट बेटा। स्पीडोमीटर चलिए क्लियर हुआ ये। चलिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज स्पीडोमीटर रिकॉर्ड। सी अभी डिस्कस किया था मैंने, स्पीडोमीटर रिकॉर्ड्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, नेम द डिवाइस एक्स, नेम द डिवाइस वाई, पर्पस ऑफ डिवाइस एक्स। स्पीड ऑफ व्हीकल डायरेक्टली इन किलोमीटर। एक लैमे है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या मेजर करता है वो, इतनी कहानी की जरूरत नहीं होती। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड देखता है बेसिकली। एंड पर्पस ऑफ डिवाइस वाई, टू डिस्टेंस। मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। वाई क्या था हमारा, ऑडोमीटर। और ऑडोमीटर क्या देखता है, ऑडोमीटर क्या मेजर करता है हमारा, डिस्टेंस कवर बाय द व्हीकल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डिस्टेंस कवर्ड, फाइन, राइट। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5। बाय के कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, चलिए न्यूमेरिकल सॉर्ट ऑफ आ गया, आगे चलते हैं। बाय के कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ वन, बाइक हमने स्पीड का फॉर्मूला लिखा था, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेरी गुड। अब हम बाइक ए का केस देख लेते हैं और बाइक बी का केस देख लेते हैं। बाइक ए कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 145 किलोमीटर, इस केस में डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 145 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स, टाइम दिया हुआ है 1.5 आवर्स, ठीक है। उसके बाद बी का दिया हुआ है डिस्टेंस, बी के केस में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 200 किलोमीटर इन टू आवर्स। वेरी गुड, टाइम इज 2 आवर्स, ठीक है। विच ऑफ द टू बाइक इज फास्टर, दोनों केसेस में आपको स्पीड निकाल देनी है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 145 अपॉन 1.5, एंड यहां पर स्पीड क्या, बाइक बाइक ए यस 200/2, ये तो सीधा सर, सीधा, बाइक है इज फास्टर मैम, बाइक। बेटा ओके ओके कैलकुलेट कर ले, 100 किलोमीटर पर आवर आ गया उसमें। यहां पर देखो ये डेसिमल हटाया मैंने तो यहां लग गया 10, सॉल्व करो, 15 के टेबल में 45, 145 आते हैं, सोचो। मैम बाइक भी मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, 15 के टेबल में 145 आता है, नहीं आता, क्या आता है, 135। 135 आता है, तो इसको 5 के टेबल पे कट करें, 5 3 15, 5 2 10, आगे चलो, 5 5 25, तो कितना आ गया, 250/3 आ गया, ठीक है। थ्री कितना आ जाएगा, 3 8 24 एंड थ्री, 29 आना था, हाँ जी बेटा, 29 आना था। वन फोर्टी फाइव को कट कर, हाँ 29 आएगा, ठीक है ठीक है, 29 ये बन जाएगा 290, और इसको सॉल्व करो फिर, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 3 9 27 एंड 3 6 18, 96 आएगा, ये डेसिमल नहीं आएगा बीच में, ठीक है, 96 किलोमीटर, समथिंग 96 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स पर आर, ठीक है। नाइन्टी सिक्स पॉइंट सिक्स आ रहा है किलोमीटर पर आवर, तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा है बेटा, बाइक भी मैम बाइक बी की, समझ आ गया क्वेश्चन। चलिए यस। चलिए,
आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स. रोहन वेंट टू चंडीगढ़ विच इज 55 किलोमीटर फ्रॉम अम्बाला. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स. वेयर रोहन वेंट? चंडीगढ़, विच इज 55 किलोमीटर फ्रॉम अम्बाला. तो ये क्या गिवन है हमें? कहाँ डिस्टेंस से? अम्बाला से चंडीगढ़ का एक्सक्यूज जो डिस्टेंस है. यस मी मैम, बेटा. हमारी क्लास कट हो गई थी मैम। वेलोसिटी की डेफिनेशन दोबारा समझाना। वेलोसिटी बेटा कुछ नहीं है. देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है. डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप इतनी देर से मिसिंग हो क्लास में. एंड वेलोसिटी, यस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? तो अगर वेलोसिटी पूछी जाए तो डिस्प्लेसमेंट कब बता दो कितनी है पहले, उसको टाइम से डिवाइड कर दो. स्पीड पूछी जाएगी तो लो, राइट? मैम वेलोसिटी होती क्या है? हाँ बेटा जब हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट का, तो उस वक्त हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं. वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. जिस स्पीड से चला वो डिस्टेंस के थ्रू फाइंड करते हैं हम. कितनी वेलोसिटी थी वो हम डिस्प्लेसमेंट. देखो डिस्प्लेसमेंट भी तो एक डिस्टेंस ही है ना, लेंथ ही है ना किसी चीज की. तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम में कंपैरिजन करना चाहूं तो मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी. अगर हम डिस्टेंस और टाइम में कुछ फाइंड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? स्पीड. ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, अदर फैक्टर्स भी होते हैं बेटा, स्केलर, वेक्टर, अदर कौन चीजें भी इनमें इंक्लूडेड होती हैं. हाँ जी बेटा बोलो. वेलोसिटी की डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, रेट एट विच समवन और समथिंग मूव्स। नहीं बेटा, नहीं ओके नहीं एग्जैक्ट नहीं जाएगी फिर ये. ठीक है, चेंजेस करने पड़ेंगे इसमें. रेट तक ठीक है, चलो चले आगे. चलिए, रोहन वेंट टू चंडीगढ़ विच इज 55 किलोमीटर फ्रॉम अम्बाला. ही स्टार्टेड फ्रॉम अम्बाला एट 9 AM. अम्बाला से उसने कितने बजे स्टार्ट किया? 9 AM. नाइन एंड रीच चंडीगढ़ एट 10:15 AM, राइट? टाइम कितना लगा उसको, मुझे बताएगा कोई? मैम 1 hour 15 minutes, 1 hour and 15. देखो 9 to 10 पूरा 1 hour हो गया, एंड 15 एक्स्ट्रा हो गए, तो 1 hour 15 minute उसको लगे. तो इस पूरे टाइम को या तो आप मिनट में कन्वर्ट करो या फिर पूरे को आवर्स में कन्वर्ट करो. एज वी हैव द डिस्टेंस इन किलोमीटर, जब भी वैल्यू किलोमीटर में होती है, किलोमीटर के साथ हम किसको प्रेफर करेंगे? किलोमीटर के साथ यूनिट चलती है आवर्स, मीटर्स होगा तो चलेगी सेकंड. ये ध्यान में रखना है बेटा आपने, दोनों चीजें, किलोमीटर और आवर्स का पेयर होता है, मिनट और सॉरी मीटर एंड सेकंड का पेयर होता है. ठीक है, अब इसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर ले. 1 hour 15 minutes में कितने आवर्स होते हैं बेटा? 50/60 hours. ठीक है, क्लियर हो गया सबको? पूछा यस तो नहीं किसी यूनिट में? आवर्स में ही है आंसर. तो कितना बना ये, सॉल्व करेगा कोई? ये बन गया एलसीएम ले लो, 60 आवर्स प्लस 15 आवर्स होल अपॉन 60. तो 60 प्लस 15 कितना हो गया? 75/60 आवर्स. ये टाइम निकला बेटा अभी आपका. इसको सॉल्व कर सकते हैं, अभी हम क्वेश्चन कर ले साथ साथ में कर लेंगे. नाउ हमें निकालनी है स्पीड. एवरेज स्पीड और स्पीड ज्यादा फर्क नहीं होता है, एक ही चीज होती है. स्पीड हो गया 44 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो
तो डिस्टेंस कितना है बेटा? 55 एंड डिवाइडेड बाय टाइम, यही है ना? इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 ऊपर हो जाएगा, 75 नीचे आ जाएगा। ये पता है ना रूल करते हैं तो? मैथ्स में किया है ना ये, है यस ना? तो अब इसको कैंसिल कर दो, 5 1 द 5, 5 1 द 5, 5 1 द 5, 5 5 द 25, और कैंसिल कर दो, 5 3 द 15, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 3 1 द 3, 3 4 द 12। तो ये आ गया 44 किलोमीटर्स पर आवर। प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम। यहां से बताऊं बेटा? बोलो कौन सा पार्ट बताऊं या स्टार्टिंग से सारा बता हाउ दो? टू फाइंड टाइम। टाइम बेटा देखो, टाइम हमें 9 AM to 10:15 AM तक का निकालना था। तो 9 to 10 तक कितने आ टाइम हो गया? 1 आवर। 9 से 10 बजे तक घड़ी के हिसाब से सोचो, 9 to 10 तक 1 आवर और एक्स्ट्रा 15 मिनट्स, तो टाइम हुआ। और 10 से 10:15 तक कितना टाइम हुआ? 15 मिनट्स। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी आवर्स में था, इसको मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। आवर्स में कन्वर्ट करते हैं डिवाइड बाय 60 करके। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, टाइम तो मुझे टोटल ही चाहिए ना। आई बात समझ? फिर मैं वहां पर 60 आवर्स कैसे आया? वन बेटा 1 मिनट कितने आवर्स के इक्वल होते हैं? 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 आवर्स। ठीक है, तो मेरे पास 15 मिनट्स है, तो 15 मिनट किसके इक्वल हुआ? 15 बाय 60 आवर्स, राइट? मैम, अगर हम 15 में 60 प्लस करके, मैम वो 75 बन जाएगा। फिर अगर हम उसे 60 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 लेके मैम हम उससे उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। हाँ, उससे भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो कि आप इसको पहले डिवाइड कर लो, इसी को सॉल्व कर लो, इसी को डेसिमल में, वो भी कर सकते हो। वी कैन डू दैट आल्सो। देखो जैसे आपको ठीक लगे वैसे करो। जैसे मैंने लिखा था 1 आवर प्लस 50 बाय 60 आवर, ठीक है? तो आप 1 आवर को ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व कर लो। हाँ जी, 15 1 द 15, 15 4 द 60, ठीक है? तो ये 1/4 बन गया ना। 1/4 कितना होता है? 1/4 इज 0.25 आवर्स। तो ये ऐड करोगे तो आएगा 1.25 आवर। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? इट विल बी 1.25 आवर। तो काम वही करना है। अब देखो, अब अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो क्या फॉर्मूला है स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था बेटा मेरा? 55, और टाइम आया था 1.25। ये टाइम था ना मेरा 1.25। अब डेसिमल हटाओ और 100 लगाओ, आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है बच्चे? क्लियर है? नोट कर लो बेटा, दोनों ही नोट कर लो आप। एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा बेटा, 44। कुछ भी कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो कर लीजिए। चलिए बेटा, क्लास 6 आ चुकी है, सो आई एम लीविंग राइट नाउ। अगर कोई डाउट होगा तो कल डिस्कस कर लेंगे। कंप्लीट, ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 7th एंड 8th, ठीक है? टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द ग्राफ्स, राइट बच्चे? बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच टीचर्स। बाय बाय।